हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे तनु अग्रवाल चैनल में स्वागत है। मैं आपको अपने इस चैनल पे हमेशा आर्किटेक्चर और वास्तुशास्त्र रिलेटेड वीडियोस की जानकारी देती हूँ। इस बार अब मैं आपको वास्तु और आर्किटेक्चर के साथ एस्ट्रोलॉजी की भी जानकारी दिया करूँगी। चलो शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताऊँगी कि पुरुष के लिए घर में पूजा करना कितना ज़रूरी है। वैसे तो देखा जाए कि घर की स्त्रियां ही पूजा करती हैं, पर क्या आपको पता है कि अगर घर के पुरुष पूजा करें तो उसका फल कई गुना ज़्यादा मिलता है स्त्री की पूजा के अपेक्षा। स्त्रियां तो सिर्फ जो घर की लेडीज़ होती है तो बस पूजा की तैयारी कर दें, वो काफ़ी है, और बाकी जो पूजा होती है घर की वो घर के जो बड़े पुरुष हैं उनको करनी चाहिए। ऐसा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, लिखा गया है, घर की पूजा पुरुष को करनी चाहिए। लेडीज़ भी कर सकती हैं, स्त्रियाँ भी करती हैं, लेकिन पुरुष करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। और पुरुष को सूर्य के समान माना जाता है, तो सूर्य में तेज रहेगा तभी तो पूरा घर हरा भरा रहेगा, सब बढ़िया रहेगा। इसलिए अगर पुरुष पूजा करेंगे तो वो सही रहेंगे, उनको अच्छी ब्लेसिंग्स मिलेंगी भगवान से, तो पूरा घर भी अच्छा रहेगा। एक जब हम पूजा करते हैं तो हमें पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, एनर्जी मिलती है, जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं। इसलिए पूजा करना बहुत ज़रूरी है। आपको भगवान जी की कृपा भी मिलती है, एक एनर्जी भी मिलती है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है और पूरे घर के लिए भी अच्छी है। और वास्तुशास्त्र के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है कि रोज़ घर में पूजा हो। और अगर पुरुष करेंगे जो कि सूर्य के समान है, उनमें तेज आएगा और सूर्य में तेज होगा तो पूरे परिवार को प्रकाशित करेगा, तो घर का वातावरण सोचिए कितना अच्छा हो जाएगा। तो अगर आपके घर में सिर्फ स्त्रियाँ ही पूजा करती हैं तो कोशिश करिए कि पुरुष भी पूजा करें और अपने घर के माहौल को और भी अच्छा बनाएं, जिससे कि अगर आपके घर में कोई भी किसी भी काम में रुकावट आ रही शॉर्टली वो सही होगा, आपका काम आसानी से हो जाएगा। स्त्रियों की पूजा से सिर्फ उनको लाभ मिलता है, परिवार को इतना नहीं मिलता जितना कि पुरुष की पूजा से मिलता है। इसलिए कोशिश करें कि घर के पुरुष भी पूजा करें, पूरा परिवार मिलकर पूजा करें, और घर के बड़े पुरुष और स्त्री मतलब की जेंट्स और लेडीज से जरूर पूजा करें। ये भी एक वास्तु रेमेडी है कि आप रोज अपने घर को एनर्जाइज करें, अच्छे से पूजा करें, भगवान का आशीर्वाद लें और घर में सुख समृद्धि आए। ये एक इंस्टेंट वास्तु रेमेडी भी है। अगर आपके घर में वास्तु दोष बहुत सारे हैं और आपके पास टाइम नहीं मिल रहा है उसको सही कराने का, क्योंकि तोड़फोड़ होगी, पूरा एक प्रोसेस होता है, टाइम लगता है, तो मीनवाइल आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस करिए। और जब वास्तु दोष सही है तभी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा तरीका है अपने घर में खुशियाँ लाने का। और ऐसी इंटरेस्टिंग वास्तुशास्त्र, आर्किटेक्चर एंड एस्ट्रोलॉजिकल जानकारी के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको कंसल्टेशन चाहिए, तो आप मुझे मेरा ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम पेज एंड फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और फ़ोन नंबर भी गिवन है, वहाँ से भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।